वेलकम गाइज टू माई YouTube चैनल AKB मोटो ब्लॉग्स। और आज के शाउट आउट में मैं तीन नाम लूँगा। पहला है करण सिंह, सेकेंड इज मयंक राजपूत, थर्ड इज इम्तियाज अहमद। ये तीनों अपने सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू गाइज फॉर सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। गाइज आज है 14th अप्रैल और आज रात 8 बजे से लॉकडाउन होने वाला है। हर साल क्या है, मैं मिठाई लेने जाता हूँ जो कि अपनी फेवरेट है, तो आज मैंने सोचा वही लेने चले जाता हूँ पहले, उसके बाद थोड़ा सा निकल जाएंगे आसपास में कहीं जाके थोड़ा सा ब्लॉग बनाएंगे। ये अभी मैं जा रहा हूँ पास में ही मालवनी की तरफ स्वीट लेने। और इस बार मैंने एक छोटा सा एक कुछ अलग ही सोचा है। मैंने सोचा कि स्वीट लेने जा रहे हैं, अभी ये स्वीट इतनी कॉमन है नहीं सब जगह पे, और ये जो स्वीट लेने जा रहा हूँ ये अपने मुंबई में ही मिलती है मोस्टली। तो ये स्वीट का नाम मैं नहीं बताने वाला हूँ, यू हैव टू गेस इट। आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, बाद में वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताइए मुझे ये स्वीट का नाम क्या है। ऐसे ही छोटा सा एक क्विज मैंने सोचा कि एक बार करते थोड़ा कुछ नया। हम वैसे ही करने वाले हैं। ये अपना पीछे का रोड है, यहाँ से सीधा निकलता है मालवनी, तो वहीं निकल जाएंगे हम और फटाफट जाके स्वीट लेके आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज़ टू गो टू मोहम्मद अली रोड, क्योंकि स्वीट का इन्वेंशन वहीं हुआ है, सुलेमान उस्मान मिठाई वाले के पास मोहम्मद अली रोड पे। तो ये एक आप लोगों को एक थोड़ा सा क्लू दे दिया है मैंने। यार ये लोगों की वजह से ना ये आके खड़े हो गए, निकलने के लिए जगह तक नहीं देते हैं। ये क्या शॉर्टकट पड़ जाता है, क्योंकि तो मुझे थोड़ा सा डाउट है 14 के बाद कहीं मुश्किल से जाने मिलेगा, और शायद स्वीट शॉप्स वगैरह मोस्ट ऑफ द शॉप्स विल बी क्लोज्ड, सो बेटर टू टेक इट इन एडवांस ओनली। ये मालवनी में भी एक अच्छा शॉप है स्वीट का, जहाँ पे अच्छी मिलती है मिठाई। हेलो गाइस, हम अभी पहुंच गए हैं अपने स्वीट शॉप में और यहाँ पे हम आए मिठाई लेने। ये दे दे 1 किलो दे। अभी तो जा ही नहीं सकते। एक पीस दिखाना मुझे। तो गाइस ये है अपनी स्वीट जो हम लेने आए हैं अभी शॉप पे, और ये इनका स्वीट शॉप। तो गाइस ये हर साल मैं लेता हूँ रमज़ान के वक्त, रमज़ान के टाइम पे, और ये अपनी फेवरेट स्वीट है। और आप लोगों के लिए एक सवाल है, एक छोटा सा क्विज है, इस स्वीट का नाम बताइए मुझे। ये स्वीट सुलेमान उस्मान मिठाई वाले ने इन्वेंट की है, जो कि मोहम्मद अली रोड पे मिलती है। और ये एक छोटा सा क्लू है आप लोगों के लिए, ताकि आप इस मिठाई का नाम बता सकें। मोस्टली जो मुंबई में रहते हैं उन लोगों को मिठाई का नाम मालूम होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नो दिस। सो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल क्विज that I'm just sharing a little information so that you can guess it and I can give you the name of the sweet. So
The invention of this sweet is done by Suleiman Usman Mithaiwala in Mohammad Ali Road. ये मिठाई लेने के लिए रमज़ान के वक्त तो काफ़ी लोग आते होंगे। अभी तो बहुत टफ, वैसे हर साल पहले बहुत रफ, इफ्तार के बाद वो एक्स्ट्रा लगता है, सब्ते नहीं लगता है, मालपुआ लगता है, अभी नहीं लगा। अभी तो नहीं, अभी तो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है, वरना हर साल काफ़ी बिक्री होती है इस चीज़ से। ये तो बहुत फेमस है मिठाई। चलो सर, मिलते हैं, शुक्रिया। गाइस हम आए हैं, ये आज रात से लॉकडाउन होने वाला है 14 अप्रैल से, तो आज रात को 8 बजे से होने वाला है, तो मैं दिन में ही आ गया हूँ लेने, क्योंकि ये हर साल मिठाई में लेता हूँ और हर साल इस मिठाई को ख़रीदने में मोहम्मद अली रोड भी जाता हूँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मिठाई का नाम क्या है। रमज़ान के टाइम पे जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत अच्छा एक ये रहता है, एक अच्छा माहौल रहता है, एक अच्छा नज़ारा रहता है देखने जैसा। अपने कुछ दोस्त हैं जिनके साथ में जाता था, और सुबह हम लोग सहरी के टाइम पे आते थे वापस। चल भाई, जोमेटो वाला देखा, इतना स्लो है। पूरे लेफ्ट से राइट में जाएंगे ये। मेरे गाइस, कुछ एक दो ब्लॉग्स पे मेरे अपना शाउट आउट नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने क्या है, एक साथ ही घूम के थोड़ा रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली है, तो दो तीन ब्लॉग्स पे कम से कम शाउट आउट नहीं आएंगे। क्या है, मैं सुबह जब निकलता हूँ या दिन में जब भी निकलता हूँ, तभी फर्स्ट स्टार्ट में ही मैं शाउट आउट दे देता हूँ, और उसके बाद में देता नहीं। लॉकडाउन ने तो पूरा अपना ब्लॉगिंग का क्या, हर इंसान का, हर एक का नज़रिया ही बदल दिया है, जीने का, सोचने का, उठने बैठने का। काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है भाई। अभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया रहेगा कि ऐसा कुछ हो सकता है।